अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिकन बर्गर और इसके ग्रेडियंट आपको हम बताते हैं। हमने ये 2 kg जो है थाई ली है चिकन की और ये तकरीबन जो है 12 से 14 जो है बर्गर हम तैयार करेंगे इससे आज। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट हम इसमें मिक्स करने जा रहे हैं। इसमें हमने 2 tablespoons जो है पेपरिका पाउडर, जिसे लाल शिमला मिर्च भी कहते हैं, और 2 tablespoons जो है रेड चिली, और 2 tablespoons सॉल्ट, और 2 tablespoons ब्लैक पेपर। तो इन सबको हम जो है इस चिकन से में मिक्स करेंगे। और साथ में बैटर के लिए भी जो रेसिपी है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये हमने 2 cups जो है प्लेन फ्लावर लिए हैं, और इसी के साथ हमने 1 tablespoon ऑफ ईच ये गार्लिक पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये नमक है, ये लाल मिर्च है, और ये काली मिर्च है। तो ये इससे हम बैटर बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू मैरिनेट द चिकन फर्स्ट। आपने इनको अच्छे तरीके से जो है मैरिनेट करके मिक्स करना है ताकि अच्छे तरीके से जो है ये चिकन पे लग जाए। जी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से जो है मैरिनेट हो गया है। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जी अभी हम ड्राई बैटर का मिक्सचर बना रहे हैं, और ये जो हमने बताया था इंग्रेडिएंट में 2 cups प्लेन फ्लावर है, ये हमने इसमें डाल दिया है, और ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इंग्रेडिएंट जो है, ये सारे हम मिक्स करेंगे इसमें। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है कि ये बैटर और ऑल ये स्पाइसेस जो है ये मिक्स हो जाए प्लेन फ्लावर में। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते रहना है, और आप देख सकते हैं कि ये ड्राई बैटर तकरीबन हमारा तैयार हो गया है। लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि स्पाइसेस, सॉल्ट, एवरीथिंग जो है वो मिक्स हो जाए। ये लगभग जो है तकरीबन तैयार हो चुका है, और जब हम चिकन फ्राई करेंगे तो फिर हम यूज़ करेंगे ड्राई बैटर के साथ। इनको फ्राई करेंगे तो पहला प्रोसीजर तो ये है कि आपने ये चिकन को लेकर बैटर में जो है इसको मिक्स कर देना अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। ये अच्छे तरीके से देख सकते हैं मिक्स हो रहा है। तो ये जब मिक्स हो जाए तो इसको आपने उठाना है, बड़े ही आराम से जो है ना पानी में छोड़ देना है, और उसको रहने देना है थोड़ी देर के लिए। तो फिर आपने और जो है चिकन को उठा लेना, और इसी तरीके से बैटर जो है दबा देना। अच्छे तरीके से जो ये बैटर को लगना चाहिए, देख सकते हैं आप। अब इसको बहुत ही आराम से जो है छोड़ देना है पानी के अंदर जी, और तो फिर आपने तेज कर देना है क्योंकि आपका ऑयल गर्म हो गया था, तो मैंने स्लो कर दिया था। अब जो हमने बैटर लगाया था इसको दोबारा जो है हम यहाँ पे पानी में से निकाल कर यहाँ रखेंगे, और इसको जो है अच्छे तरीके से दोबारा लगा देंगे। ये देख सकते हैं कि ये हमारा बैटर जो है लग रहा है, बेहतरीन तरीके से लग गया। अब हम इसको
जो है ऑयल में डालेंगे फ्राई होने के लिए। आराम से आपने इसको छोड़ देना है। इसी तरीके से आपने जो पहले रखे थे पानी के अंदर आपने उनको भी निकालना है और इसको इसी तरीके से लाइटर में जो है दोबारा लगाना है। दूसरे तरह के अच्छे तरीके से बैटर दोबारा लग जाए तो आपने इसको देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो गया लग गया है। और अब आपने ये देख सकते हैं कि इसको हम जो है इसी तरीके से फ्राई करेंगे। जो हमने चिकन डाले थे पहले उसको हम उल्टाएंगे। जो आटा है इसको थोड़ा और कुक करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये बैटर लगा हुआ है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देख सकते हैं कि ये पूरी कुक हो चुकी है। नाइसली कुक हो गए। अब हम इसको जो है बर्गर में डालकर तो रिव्यू अपना देंगे। कि हमारा क्रिस्पी बर्गर जो है चिकन क्रिस्पी बर्गर तैयार है तो अब हम इसे चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा बना है। और साथ ही में जो है एयर फ्रायर में हमने चिप्स भी फ्राई की एयर फ्राई किए हैं। और लेट्स ट्राई दिस। वेरी नाइस। आप चेक कर सकते हैं चटनी भी है, चिकन बहुत अच्छे तरीके से कुक हुआ है, सैलेड है और टोमेटो केचप भी है। वेरी नाइस। होममेड क्रिस्पी चिकन बहुत ही टेस्टी बना है ये। और पूरी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कि किस तरह मैंने बनाई है। तो आप इसको भी जो है ट्राई करना जिस तरीके से मैंने बनाया। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज़ शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।